चलिए, ये डेटा जो है आपने उसमें देखा होगा, टेक्स्ट बुक में आपका ये डेटा बना हुआ है। इस डेटा को आप देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी, हाइड्रोजन के साथ हम लोग रिएक्टिविटी ऑब्जर्व कर रहे हैं। और हमने बताया अगर ग्रुप 15 के मेंबर, ग्रुप 15 के मेंबर जो हैं हाइड्रोजन से रिएक्ट करें तो क्या बनाएंगे, रिएक्ट विद हाइड्रोजन, फॉर्म EH3 हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर EH3। इसका ये जनरल फार्मूला होता है, आप जानते हैं ई क्या है, ई यहाँ पे है ग्रुप 15 एलिमेंट, हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे यही चीज ऑब्जर्व करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टी हाइड्राइड की जो है, हाइड्राइड जो फॉर्म हो रहा है ये किसे क्या कहेंगे, फॉर्म हाइड्राइड, हाइड्राइड का फॉर्मेशन ये कर रहे हैं। तो हम लोग अब प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड देखते हैं और ये प्रॉपर्टी हमने लिखा भी है कुछ, तो आइए इसी को देखते हैं और इसी को समझते हैं। और ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग के हिसाब से है भाई, हमारे हिसाब से इससे एक क्वेश्चन आना चाहिए कम से कम आपको। तो प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड कौन सा क्वेश्चन आ सकता है ये हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड, सबसे पहला स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हाइड्राइड की प्रॉपर्टी में हम सबसे पहला स्ट्रक्चर देखेंगे। हाइड्राइड का जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पाया जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें सारे हाइड्राइड में जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा sp3, क्या क्या होगा, एक लोन पेयर और तीन बांड पेयर। कैसे हमने जाना अभी आपको दिखाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर नाइट्रोजन का दिखाते हैं आपको, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p3, ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन। अगर आप इसको देखेंगे तो ये ग्राउंड स्टेट का है, s का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, p का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को कितने बांड, सॉरी नाइट्रोजन को कितने बांड बनाना है, पेयर हो गया चार। चार की रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है, जो हाइब्रिडाइजेशन में पढ़े भाई, चार की रेगुलर ज्योमेट्री क्या पढ़े, टेट्राहेड्रल। चार की रेगुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन यहाँ पे है क्या, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थियरी, वेस्पर थियरी हम लोग कहते हैं जब लोन पेयर प्रेजेंट होता है
अकॉर्डिंग टू बेस्पर थियरी देखिए क्या है, एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब ये क्या होगा, इरेगुलर ज्योमेट्री का नाम क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पिरामिडल। ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। ये अगर इलेवेंथ में बेस्पर थ्योरी पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में बताई जाती है, आपको कम से कम उतनी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके शेप को अगर हम लोग दिखाएंगे तो कैसा बनेगा जानते हैं, और इसलिए बॉन्ड एंगल भी इनका क्या होगा,
हाँ समझ में आया, ये जो बांड है क्यों साइज छोटी है, साइज छोटी है तो बांड पास पास होंगे ना। अरे भाई ऐसे ही सोचो, ये है और ये, यही बांड प्रेजेंट हो यहाँ और यहाँ बांड प्रेजेंट हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाई क्या दे रहा है, बांड पास पास है, यहाँ बांड दूर दूर है, यहाँ रिपल्सन कम होगा, यहाँ रिपल्सन क्या होगा ज़्यादा होगा क्योंकि ये छोटा है, ये क्या है बड़ा है, तो यही चीज़ हो रहा है। यहाँ बांड डिस्टेंस क्या है, बांड डिस्टेंस आई है, रिपल्सन क्या होगा, रिपल्सन लो लो होगा, रिपल्सन लेस, एंगल क्या होगा, रिपल्सन पे ही एंगल बेस्ड है, एंगल भी क्या होगा लेस होगा। ये चीज काम हो रहा है, दोनों चीजें एक साथ हो गई है। सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा, बांड डिस्टेंस, बांड अगर पास पास होंगे, बांड अगर पास पास होंगे तो उनमें रिपल्सन था, जैसे तुम लोग बैठे हो ना, जैसे वो दो लोग बैठे हैं आप दो लोग बैठे, तो आप दो लोग पास हैं तो रिपल्सन अपने आप ज्यादा हो ठीक है, और वो दो लोग दूर दूर बैठे उनके बीच में रिपल्सन कम, तो क्या होगा एंगल तो इन्हीं के दो बांड आर्बिटल के बीच का ही एंगल होगा ना। तो ये बॉन्डिंग आर्बिटल है, देखो ये बॉन्डिंग आर्बिटल है, इनके बीच का एंगल देखना है, तो जब ये दूर भागेंगे तो एंगल अपने आप क्या हो जाएगा, ये देखिए ये दूर भाग गए तो एंगल इसका कितना है 100, कितना है 108 मान लीजिए, और इसका एंगल कितना है 93.6, और देखिए डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या हो गया 91.8, और डिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या हो गया 91.3, ऐसे डिस्टेंस बढ़ने के हिसाब से है ठीक है। वैसे इसको देखिए, मेल्टिंग पॉइंट आप लिख बॉइलिंग पॉइंट ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ये है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट अननोन है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। तो समझिए पहले इस चीज़ को, आप गौर से देखिए, चाहे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों की आप बात करें तो एक चीज आप इसमें देखिए, अमोनिया एक्सेप्ट अमोनिया, आप अमोनिया को छोड़िए, अमोनिया को हम हटा दे रहे हैं, आप देखिए फास्फीन, इसे हम लोग फास्फीन पढ़ते हैं, उसके बाद क्या है ASF3, इसे हम लोग आर्सीन पढ़ते हैं, और इसके बाद किसको हम लोग SBS3 को क्या पढ़ते जाते हैं, स्टीबीन पढ़ते हैं, और BIS3 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, बिस्मथीन पढ़ते हैं, बिस्मथीन पढ़ते ठीक। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, इसको छोड़ दे रहे हैं, ये अमोनिया है, यहाँ से यहाँ चलिए तो आप देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज कर रहा है नहीं। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे देखिए, नीचे चलने पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर साइज देखिए, फास्फोरस से बड़ा आर्सेनिक होगा, आर्सेनिक से बड़ा एंटीमनी, एंटीमनी से बड़ा बिस्मथ, बड़ा होगा ना, तो बड़ा है यानी मॉलिक्यूलर साइज क्या हो रही है, यानी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर साइज आर वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हमने एक चीज बताया था ना, तो उससे क्या होगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करता है तो एक चीज हमने बताया था, सरफेस एरिया से रिलेटेड वांडरवाल फोर्स होता है, वांडरवाल फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीज करेगा ठीक है। अमोनिया में देखिए, अमोनिया में इन केस ऑफ अमोनिया, अमोनिया में वांडरवाल फोर्स पाया जाता है, अमोनिया में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इन सब में वांडरवाल फोर्स, और अमोनिया में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इन
इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट एज हैव एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग। और अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, नाइट्रोजन slightly positive, हाइड्रोजन बॉन्ड है ये जो डॉटेड लाइन, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा क्वेश्चन क्या रहता है, इसी को अरेंज करना रहता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के। तो आप देखिए, अगर इसको देखें बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब ज्यादा है ना, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट देखें इंटरमीडिएट आ रहा है 238 है, 10 और 54 के बीच में, देख रहे हैं 10 और 54 के बीच में, ये ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है कि वांडरवाल फोर्स यहाँ पे साइज भी ज़्यादा बढ़ जाती है, वांडरवाल फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड को भी डोमिनेट करता है। हम लोग वांडरवाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे यूज करते हैं मालूम है? वांडरवाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कंपेरेबल है। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट दूसरा होगा, और इसका क्या नाम है नहीं और आगे जाइए जिसमें अंतर आ रहा है, हाँ बिस्मथीन स्टीबीन ये सब का अलग। इसमें देखिए देखिए, इसीलिए इसको हटा दिया हमने, ये सीक्वेंस बिल्कुल एग्जैक्ट, ये सीक्वेंस बिल्कुल सही, लेकिन इसके आने की वजह से सीक्वेंस क्या होगा चेंज होगा। बाकी इसमें तो सब चीज़ वैसे है ना, देखिए 85, 10, 54, 90 कोई सीक्वेंस नहीं, 39, 56, 85 कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके आने से कहीं ना कहीं चेंज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखो तो पहला देखिए, अमोनिया इज मेल्टिंग पॉइंट सीक्वेंस, ये सीक्वेंस बहुत पूछा जाता है भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अमोनिया इज ग्रेटर देन किससे हो, SbS3 SbS3 is greater than AsS3, ना? AsS3 is greater than PS, यही तो है, क्या बोला? यही सीक्वेंस तो है, सब ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका, बॉइलिंग पॉइंट का, यार, जिसको ऐसे भी देख सकते हैं, PS3 is smaller than AsS3. Smaller than SbS3, smaller than ammonia, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। एक सेक्वेंस, ये दोनों सेक्वेंस आपको याद होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट का सेक्वेंस क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का सेक्वेंस, बॉइलिंग पॉइंट का सेक्वेंस हम लोग देखें अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा तो सब ज्यादा किसका है, सब ज्यादा BiS3 का, BiS3 इज ग्रेटर देन, फिर किसका SbS3, फिर ये बीच में आ रहा अमोनिया, फिर कौन आ रहा है AsS3, फिर कौन आ रहा है CH3, इसका मतलब इसको आप PS3 स्मॉलर देन AsS3, स्मॉलर देन अमोनिया, स्मॉलर देन SbS3, स्मॉलर देन BiS3, ये सीक्वेंस आपको याद, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है।
रहे हैं, नीचे हटा रहे हैं। कौन सा है जानते हैं? ये बीच वाला कौन सा बना? ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है ना, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ NS3 सबसे ऊपर किसको किया है यहाँ पे? BIS इसके ऊपर होगा ना। देखो हम इसी के हिसाब से बना रहे हैं, कोई हम अपने तरफ नहीं बना रहे। सबसे ऊपर ये है, ये बीच में आ रहा है, उसके बाद कौन आएगा? इसके इसका होगा यहीं कहीं आस पास, इससे ऊपर रहेगा कौन आएगा? SB S2। अब यहाँ पे अमोनिया आ गया, अमोनिया बीच में आएगा, फिर कौन आएगा? ASS। और यहाँ कौन आ गया? PS। यही होता है, देख रहे ना, डाटा यही है। ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का है, ये बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दीजिए, ठीक है ना। हम लोग इसी को इस हिसाब से पढ़ते रहते हैं। ये डेटा, ये जो अरेंजमेंट है वो इसी हिसाब से, देखिए सबसे ऊपर अमोनिया है ना, इसमें यह है सबसे ऊपर, उसके बगल में ही क्या आ रहा है? SBS। तो फिर बाकी सबसे नीचे कौन है? PS3। ठीक, इस तरह का अरेंजमेंट आपको मालूम होना चाहिए। टॉप टू बॉटम चलने पर रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, ऐसा क्या होता है? देखिए जो यहाँ पे बिकॉज जो EH बॉन्ड डिस्टेंस होता है, EH का मतलब हो गया एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। EH बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड एनर्जी उसके उल्टा होता है। बड़ा बॉन्ड होगा तो कम एनर्जी लगेगी, छोटा बॉन्ड होगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। इसका मतलब यहाँ पे ये यह हुआ, इसका मतलब देखिएगा एन और एच बॉन्ड और BI और H बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा, इसलिए ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड बड़ा होगा, नीचे चल रहा है ना, नीचे चलने पर बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है, बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तो इजिली ब्रेक होगा, इजिली ब्रेक होगा, इजिली हाइड्रोजन देगा H गिवेन। अगर हाइड्रोजन कोई जब आसानी से देता है तो वो कौन सा करेक्टर तो पता, रिड्यूसिंग, इसका मतलब है रिड्यूसिंग करेक्टर हाई। अब देखिए आसानी से टूटेगा, अगर ये इजिली ब्रेक होगा तो ये थर्मली लेस स्टेबल, थर्मली मतलब समझ रहे ना, हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, थर्मली लेस स्टेबल,
थर्मल स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो, थर्मली लेस स्टेबल हो जाएगी। क्या काम है फिर समझ लीजिए, ये जो बॉन्ड होगा हम हीट थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा, टूटेगा नहीं तो ये थर्मली मोर स्टेबल होगा। क्या हो गया, थर्मली मोर स्टेबल हो गया और ये थर्मली लेस स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, आसानी से टूटेगा, हाइड्रोजन देगा, और कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट अगर हाइड्रोजन देता है तो वो क्या होता है, रिड्यूसिंग करेक्टर शो करता है। तो इसका मतलब है टॉप टू बॉटम चलने पर रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये दो रीज़न हमने आपको बताया और रिड्यूसिंग करेक्टर, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ऐसे भी समझ लीजिए सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो, देखिए यहाँ ये कौन सा प्रोसेस, इसका फॉर्मेशन, ये कौन सी एनर्जी है, हीट इवॉल्व हो रही है, ये क्या होगा, एक्सो, बाकी सब एंडोथर्मिक, सब क्या है, यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है एक्सोथर्मिक है, अमोनिया सिर्फ एक्सोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू बन रहा है, बाकी सब एंडोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू बन रहे हैं, यानी सबको बॉन्ड बनाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर जोड़िए ना तो उसमें हीट इवॉल्व होगी, बाकी सारे देखिए उन सभी में हीट क्या कर रही है, एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ी है, और वो डेटा आपको दिया गया है, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो देख रहे हैं आप, यहाँ तो इस डेटा से भी आप इंफॉर्मेशन कर सकते हैं कि ये थर्मली मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस अपने आप से होता है, माइनस में वैल्यू है ना, तो अपने आप से ये हो रहा है, ये अपने आप से ये बनेगा तो स्टेबल हो जाएगा, और जब स्टेबल हो जाएगा तो तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी आपको लगेगी, यहाँ पे इसको बनना ही नहीं है, जब बन नहीं रहा तो इसका अनस्टेबल है, तो हीट देकर बना रहे हैं आप तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। जैसे भी आप समझिए आपके ऊपर है, अगर आप इसको इस तरह समझ लीजिए बॉन्ड एनर्जी कम है, क्यों, क्योंकि EH बॉन्ड डिस्टेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं पढ़ रहे, इसीलिए ये डिस्टेंस दिया गया है। अब देखिए ये बिस्मथीन वाला नहीं, अननोन है ना, इसी बुक में इस टेक्स्ट बुक में दिया, कहीं ना कहीं दिया होगा। आप देखिएगा बिस्मथीन जो है वो रिड्यूसिंग करेक्टर, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये क्वेश्चन भी आपके टेक्स्ट बुक में है। देखिए BiS3 इज ए स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, क्वेश्चन एक टॉपिक और इसका बचा हुआ बेसिक करेक्टर, आप हाइड्राइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अमोनिया, बास्पीन, आर्सीन, SPS3, बेसिक करेक्टर DC लिख रहे हैं, ठीक है, बेसिक करेक्टर डिक्रीज कर, अब क्वेश्चन यहां उठता है ये बेसिक करेक्टर कौन सा बेसिक करेक्टर है, सबके पास लोन पेयर है मालूम है ना, बताया था अभी ना, सबके पास लोन पेयर है, तो ये बेसिक करेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन सा एक बेस होता है, लुईस बेस, H+ आयन एक्सेप्टर भी होता है, कौन सा बेस होता है, अर्हेनियस बेस ना, या अर्हेनियस बेस या कहिए वो अर्हेनियस का ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट है ना, ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस, लुईस बेस कहिए आप, ब्रॉन्स्टेड बेस। तो इसमें कहा जाता है अमोनिया जो है सबसे ज्यादा बेसिक,
कहा जाता है। क्यों? यहाँ नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन की साइज क्या होती है? स्मॉल है ना? साइज स्मॉल है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ईडी लिखा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को साथ में ईडी लिखा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? आई होगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी भी क्या होगी बिल्लाल? आई होगी। और इसी वजह से मोस्ट बेसिक भाई, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वही आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो नाइट्रोजन की साइज छोटी है, छोटी होने की वजह से अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट करेगा, इसलिए ज्यादा बेसिक होगा। फास्फोरस की साइज बढ़ जाएगी, कम बेसिक होगा। आर्सेनिक की और बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे सीधे सीधे है, नाइट्रोजन स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा शो करेगा, इसलिए ये ज्यादा बेसिक। ये चीज तो इतनी बातों को डील कर लीजिए, बाकी की बातें नेक्स्ट डे। थैंक यू।